अमदरा प्राथमिक शाला डुन्नी में मीनू के मुताबिक मध्यान्ह भोजन नहीं बनने की शिकायत आई है। बच्चों ने बताया कि केवल खिचड़ी या दाल चावल के अलावा कुछ और खाने को नहीं मिलता। वहीं बच्चों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। विद्यालय परिसर के पास लगा हैंडपंप भी बंद पड़ा है, जिससे नौनिहाल बच्चों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विद्यालय प्रमुख ने बताया कि जिम्मेदारों को सूचना देने के बाद ही आज तक हैंडपंप नहीं सुधारा जा सका है, जिस कारण पानी की समस्या से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि समय पर मध्याह्न भोजन बना पाने में भी असुविधा होती है। यदि पानी की समुचित व्यवस्था हो जाए तो सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। श्रीमान जी, जैसे आज बच्चों में देखा गया कि केवल खिचड़ी का ही प्रसाव हुआ है इनके बीच में, ऐसा क्यों सर, जबकि मेनू पर तो कुछ और लिखा हुआ है? सर, मेनू के आधार पर जब से ये समूह लिया जी, कभी मेनू के आधार पर मध्याह्न भोजन नहीं बनता, नहीं बनता। विद्यालय में सिर्फ दाल चावल या सब्जी रोटी, आज है जो कि नमकीन के साथ फ्राई चावल और सलाद वगैरह देना था जी, जिसमें सिर्फ मात्र पानी से खिचड़ी बनवाई गई जी जी समूह द्वारा। मतलब वालों को बुलाया जाए तो वो आते नहीं हैं, अन्य सामग्री दी जाती है। यानी आपके अनुसार किसी भी प्रकार से समूह का कोई नहीं, वो नहीं रहता, जैसे आप यदि जो भी बोलते हैं तो उन बातों को लेके उनका कोई मतलब नहीं निकलता? नहीं निकलता जी। और ये नल पानी की व्यवस्था को लेके क्या कहना सर? सर, एक महीने से हैंडपम्प बंद पड़ा हुआ है। हम दो बार मैहर पीएचटी विभाग में चंदेल सर को दो बार फोन कर चुके हैं, उन्होंने बताया कि हाँ हम बनवा रहे हैं, आज तक नहीं बनवाया गया। तो ये पानी की व्यवस्था फिर कहाँ से की जाती है? यहाँ से आधा किलोमीटर दूर जो वहाँ खाना पकाती वो लेके आती है। बताइए जी सर। ठीक, खाना में क्या मिला है? सतना से कामता प्रसाद की रिपोर्ट।